हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दैट आज आपके लिए क्या आने वाला है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू गाइस। एंड ये पूरा रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल दोज जो आप लोग किसी सिचुएशन में हो। Okay, let's see, let's start. What is coming for you? पर फिर भी मैं कह दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे जब चाहे देख सकते हो। ये आपको आने वाले 24 घंटा में रेजोनेट करना चाहिए, आप इसे जब भी देख रहे हो उस समय से शुरू करके। सो यस, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कमिंग फॉर द कलेक्टिव टुडे? डेथ एनर्जी। What is coming for the collective? Wow, Nine of Cups. I feel like collective आज का जो सबसे बड़ा एनर्जी है दैट इज ऑफ आप काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ऑन थिंग्स जो आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, या स्टार्ट कहना भी गलत होगा। एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है आप पास्ट से वापस लाना चाहते हो। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ पर्सन, बट आई फील लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हो फिर से आए, फिर से हो आपके लाइफ में, ये मैसेज फिर से आपको मिले उस पर्सन से, समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट ऑल्सो आप सिर्फ बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप उस चीज़ के पीछे थोड़ा सा एफर्ट भी डाल रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपने कुछ तो मांगा है, कुछ तो आपने चाहा है, जिसके पीछे आप भी कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ यूनिवर्स भी आपको देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो आपका विश है वो फुलफिल हो जाए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस विश के पीछे कुछ ब्लॉकेजेस है जिसका हटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब जाके ये विश आपका फुलफिल होगा। उसमें से एक ब्लॉकेज है दूसरे लोग या थर्ड पार्टीज या दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस। मे बी अगर ये विश किसी रिलेशनशिप को लेके है, शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं जो ब्लॉकेज डाल रहे हैं या फ्यूचर में डालेंगे, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन है जो थर्ड पार्टीज में भी जो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर ये रिलेटेड टू करियर है, मे बी आपके कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो आपके करियर सिचुएशन में आपको यू नो सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं, या आपके पीठ पीछे ये लोग कुछ कर रहे हैं टू यू नो हार्म यू समथिंग। सो इस वक्त आप जो कर सकते हो इज़ लाइक आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स, कैंडल्स, जो भी इफ़ यू वांट आप परचेज कर सकते हो एंड आप उसे यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको नज़र ना लगे, या अगर कोई हिडन एनिमी है तो वो हिडन एनिमी एक्चुअली में कुछ भी ना बिगाड़ सके आपका, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किससे क्या इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक आज के दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स इज ऑल अबाउट योर फाइट, लाइक एक्शन ओरिएंटेड हो आप फाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप आवाज़ उठा रहे हो किसी चीज़ के लिए, अचीव करना चाहते हो आप किसी चीज़ को। करियर की अगर मैं बात करूँ, आई फील लाइक करियर में आप थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हो, या आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए आपको लग रहा है कि वो आपसे बहुत दूर है। सो मान लो आपको करियर में मे बी एक इंटरव्यू क्रैक करना है, बट आपको लग रहा है कि वो इंटरव्यू आते आते अभी समय है, या आपके पास प्रिपरेशन नहीं है, आपने सही से आप तैयार नहीं हो, या आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, बट यूनिवर्स इज सेइंग अभी भी आपके पास वो मौका है कि आप तैयारी करो, अभी भी आपके पास वो चांस है कि आप फिर से कोशिश करो, शुरू करो। बिकॉज आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप एक ऐसे जगह पे अपना सक्सेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे सक्सेस ही नहीं है, जहाँ जो आपका रास्ता ही नहीं है, या जिस जगह पे काइंड ऑफ आपको सिर्फ लाइक खालीपन मिलेगा, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आप मोटिवेटेड हो, आप एनर्जेटिक हो, आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट ज़रूर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, समय दे रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट किसी ऐसे जगह पे मत करना जहाँ से कुछ मिलने का चांसेस बहुत कम हो, या जहाँ पे
एक्चुअली आपका आपके लिए कुछ नहीं रखा, जिस लाइन में एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ सूनापन, खालीपन मिलेगा. सो ऐसे किसी जगह पे अपना एफर्ट या एनर्जी इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज़ आप काबिल हो बहुत सारी चीज़ों का. आप काबिल हो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए. आप काबिल हो कि आप अपना ड्रीम फुलफिल कर पाओ, एफर्ट दे सको उस ड्रीम को. सो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो. ट्राई टू प्लान बिग. जो भी करना है बिग प्लान करो, बेटर प्लान करो, बिकॉज़ ये जो आप एक्शन ले रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ है. यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको इस कार के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका ये जो जंग है, आपका ये जो एफर्ट है, आपका ये जो भी है, ये एक दिन रंग लाएगा. या यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका ये विश, एफर्ट, आपकी इस मैनिफेस्टेशन, जो भी है, जो भी ये है, ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल सिचुएशन या लव सिचुएशन स्पेसिफिकली, आई सी यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहे हैं, बट आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो. आपको लग सकता है कि अभी तक तो इतना इतना हो जाना चाहिए था, अभी तक तो इस पर्सन का वापस आ जाना चाहिए था, ये पर्सन इतना इतना कह देना चाहिए था, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही एक्सपेक्टेशन लगा रखे हो, एंड ये एक्सपेक्टेशन आप इतना ज़्यादा रख रहे हो कि आप खुद ही अपने एक्सपेक्टेशन को हर्ट कर रहे हो. बी वेरी केयरफुल, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे हो, जो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, या जो शायद रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है. सो दोबारा सोचो कि आप जो चाहते हो अपने लव सिचुएशन में, या आपका जो उम्मीद है, आपकी जो व्हाट टू से लाइक एक्सपेक्टेशन है, क्या वो इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन पूरे पूरे नहीं कर सकते, या क्या वो इतना ज़्यादा है, या ऐसा कुछ है जो आपके रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है. आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्लो मूविंग है. आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पर्सन आपके तरफ, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोग सेपरेटेड हो, डजेंट मैटर. क्योंकि आज का जो एनर्जी है, आई थिंक आपका मेन है आपका ऐसा कोई पर्सन जिनसे आप बहुत समय से डील कर रहे हो, या जो काइंड ऑफ आपके पास्ट पर्सन है, पास्ट से बिलोंग करते हैं ये पर्सन. कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, न्यू लोग लाइक न्यू लव सिचुएशन अगर है तो हो सकता है, बट वो ज़्यादा लोगों के लिए आज नहीं है. आज की रीडिंग से मुझे लग रही कि ये बहुत ज़्यादा प्रीवियस पर्सन या पास्ट पर्सन, या तो ऐसा कोई जिसके साथ आप बहुत समय से हो रिलेशनशिप में, या इन एंड आउट वाला सिचुएशन है, वैसा वाला मुझे लग रहा है. ओके, एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स भी आई डोंट फील लाइक, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो फिर सही है, बट अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, ये पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग है, तो शायद आपको कुछ खास एक्शन नहीं दिखेगा जो लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो. बट मे बी अगर 24 घंटे में नहीं, तो बाद में, या मे बी 7 दिन में, या 1 महीने में, ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, बिकॉज आपने इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट किया है. कलेक्टिव किसी ना किसी हालात में आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है फिर से, एंड यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं. लेट अस सी, सिंस आज वैलेंटाइंस डे है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मे बी आई डोंट नो आप कब देखोगे, बट लेट्स सी, लेट्स टेक सम लव मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स. ये क्या बोलना चाहेंगे आपके अपकमिंग लव सिचुएशन के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, कोई पर्टिकुलर मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहते हैं फॉर द कलेक्टिव, जो आपके मे बी सिर्फ 24 घंटा नहीं, मे बी पूरा साल आपको काम आएगा 2023, या जब भी आप इसे देख रहे हो, मे बी ये पूरा साल आपको काम आ सकता है. ओके, वी हैव टू मैसेजेस आई थिंक. हाँ, ओके, वी हैव टू मैसेजेस. वाह, ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली. एंड द सेकेंड कार्ड इज we have be willing to express love. When we express love, we begin to receive more love, beautiful energy. आप चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, एंड टेक दिस एज अ लव एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दिस ईयर, अपकमिंग ईयर, या
एक मंथ, 2 ईयर, हाउ एवर यू वॉन्ट टू सी दिस, बट दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. आपके लव लाइफ के बारे में ये एक ऐसी एडवाइस है जो आपको हेल्प कर सकता है. बिकॉज द फर्स्ट कार्ड सेज ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लव अदर्स डीपली. दिस इज़ टेलिंग यू कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपका प्यार जरूर, आपकी प्यार की ज़रूरत है. एंड कभी कभी लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, लेट मी टेल यू. कभी कभी लव कैन ऑल्सो बी फैमिली, लव कैन ऑल्सो बी एनिमल्स, आपके पेट्स, आपके फ्रेंड्स, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको लाइफ में हेल्प किया है, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि वो आपके वेल विशर्स हैं. सो लव या रोमांटिक लव भी हो सकता है, लव कैन बी एनी थिंग. बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस साल, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से शुरू करके आप एक्चुअली लव के ऊपर सोचें. एंड लव इज़ अ इमोशन जिसे आप एक्सप्रेस करो और भी ज़्यादा करो, बिकॉज़ आपके अंदर बहुत सारा लव है, बहुत सारा काइंडनेस है, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, लेकिन आप उस इमोशन को बाहर नहीं लेके आते हो. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि यू नो लव जिन लोगों में प्यार भरा होता है ना, वैसे लोग बहुत कम हैं आज के दुनिया में. एंड आज का जो दुनिया है, वहाँ पे प्यार की बहुत ज़रूरत है. हर किसी को ज़रूरत है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट हो, फ्रेंड्स हो, या रोमांटिक लव हो. लव की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को. सो इफ़ यू हैव लव, अगर आप प्यार कर सकते हो, अगर वो कैपेसिटी है आपके अंदर, अगर आप उस काइंडनेस से बने हुए हो, देन प्लीज़ एक्सप्रेस योर लव. प्लीज़ टेल द पीपल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट यू लव देम, चाहे वो कोई भी हो. यू नो, आप कहो एक्सप्रेस योर लव, क्योंकि प्यार दिखाना कभी गलत नहीं है. लोग ऐसा सोचते हैं कि ईगो हर्ट हो जाता है, कैसे दिखाए सामने वाला को पहले बोल. नो, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स ओके टू लव, यू नो, बिकॉज़ ये एक इमोशन है. एंड ये इमोशन होना बहुत ही ह्यूमन है. अगर आप इंसान हो एंड आप में प्यार नहीं है, तो मे बी आप में कुछ सच में प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू फील द एनर्जी लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लव सिर्फ रोमांटिक लव को ही बोला जा रहा है. यूनिवर्स इज़ नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओनली रोमांटिक लव, बट ऑल्सो लव इन जनरल, एज अ फीलिंग, एज अ इमोशन. आप चाहो तो आप उसे एक्सप्रेस करके देख सकते हो, यू नो, बिकॉज आप जितना एक्सप्रेस करोगे, आप जितना लोगों को वो प्यार, वो वॉर्म्थ दोगे, चाहे वो रोमांटिकली हो या नॉर्मल हो, आप देखोगे कि लोग काइंड ऑफ आपको वो इक्वल गिव एंड टेक में जा रहे हैं. लाइक लोग भी आपको उतना ही प्यार दे रहे हैं. एंड ये सच है, व्हाट यू गिव आउट इज़ व्हाट यू रिसीव, राइट? सो अगर आप वो प्यार दोगे, आपको वो प्यार ज़रूर मिलेगा. ओके, सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अफ्रेड. एंड अपने आप को जजमेंटल मत बना लो, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जजमेंटल है, जो ऑलरेडी इगोइस्टिक है, जो ऑलरेडी यू नो अपने ही ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं. एंड उन लोगों को भी प्यार की ज़रूरत है, बट उन लोगों को समझ में नहीं आता है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट दैट्स फाइन. ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी स्टोरी है. सो डू योर बेस्ट, दैट इज़ योर एडवाइस फॉर नाउ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पर नए हो. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और जनरल रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.